क्रिकेटर और यूट्यूबर का ई लफड़ा। यस, ध्रुव राठी एंड वीरेंद्र सेवा का लफड़ा हो गया। अब आपको तो पता ही है, इंडिया को भारत रीनेम करने की बातें चल रही थी बीच में, तो उस पर वीरेंद्र सेवाग ने कुछ ट्वीट डाले थे जिसपे ध्रुव राठी ने रोस्ट ही कर दिया सेवाग जी को। मेरी दो रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सेवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटका की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो, पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। अब जनरली ऐसे में एक दूसरे के फैंस जाके कमेंट करते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर वीरेंद्र सेवाग को वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि सेवाग का खुद इंटरनेशनल स्कूल है, उन्हें तो पता ही है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक बात तो सही है कि देखो वीरेंद्र सेवाग गुटखा प्रमोट करते हैं, विच इज नॉट गुड। स्कूल के बच्चों को गुटखा खाने दोगे क्या? नहीं ना, तो मतलब वो हिसाब से तो प्रमोट भी नहीं करना चाहिए गुटखा। तो जो काम खुद के बच्चों को नहीं करने देते वो दूसरे के बच्चों को भी करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट वैलिड है। बट सेवाग भाई ने ट्वीट डाल दिया, यस इसको बोलते ही लफड़ा। सेवाग भाई ने ट्वीट डाला, अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई। इसका क्या मतलब हो सकता है? अप्लाई अप्लाई का मेरा शायद ये अर्थ निकालूंगा कि अप्लाई बर्नॉल शायद। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सेवाग भैया इंडिया को मिटाना चाहते हैं। एक मिनट, इंडिया को नहीं मिटाना, इंडिया नाम को मिटाना, वो भारत रखना चाहते सोशल मीडिया। देखो ऐसा है कि जब भी हमारा बॉम्बे मुंबई बना था तभी हमने वड़ा पाव को छोड़ के पास्ता खाना चालू नहीं कर दिया था, तभी भी गणेशोत्सव ऐसे ही मौज में मनाते थे, अभी भी ऐसे ही मौज में मनाते। तो जो हम थे चाहे इंडिया बोलो या भारत, हम तो वही रहेंगे। हमको ऐसा काम करना चाहिए कि देश का जो भी नाम हो उसको प्राउड करे, ना कि नाम खराब करे। नाम खराब करने से याद है अर्जुन कपूर, तो अर्जुन कपूर विलन रहेंगे सिंघम 3 में, तो हीरो मेरे को बनना पड़ेगा। यार क्या कर रहे? देखो आई डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट अर्जुन कपूर, कर सकता है बढ़िया, आई डोंट नो मैन कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है ना। मूवी आने से पहले मेरे को जज नहीं करना, लेकिन मैं जज करूंगा, ठीक है। अर्जुन कपूर एज अ विलन, मे बी अर्जुन कपूर का ये थॉट होगा कि एज अ हीरो करियर नहीं चल रहा है तो एज अ विलन ट्राई करे, कोई बुरी बुरी बात नहीं है। लेकिन रोहित शेट्टी पहले भंगार से कार लाता था, अब एक्ट्रेस भी लाने लगा। जस्ट किडिंग, जोक्स है। लेकिन एक बात तो सही है, पहले अर्जुन कपूर जो फिल्म में था वो फिल्म पिटती थी, अब अर्जुन कपूर फिल्म में पिटेगा। बट द फैक्ट इज कि प्रकाश राज पहले मूवी में जो विलन का रोल किया था आइकॉनिक, सेकंड में अमोल गुप्ते भाई क्या किया था, अब फिर अर्जुन कपूर मतलब नीचे ही जा रहा है यार, ऐसे मत करो। अर्जुन कपूर के फैंस भी हीरो को सपोर्ट करेंगे कि नहीं भाई, अरे यार क्या है ये मतलब। उसमें भी अभी तो कॉप यूनिवर्स आ गया है, सिम्बा भी मारेगा अर्जुन कपूर को, सिंघम भी मारेगा, उसमें अक्षय कुमार भी आएगा सूर्यवंशी बन के मारने, सब हाथ सब करेंगे अर्जुन कपूर पे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म से बॉलीवुड में सक्सेस मिलती है, लेकिन नहीं मिलती कभी कभी। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आई होप अर्जुन कपूर बढ़िया, मतलब मेरे को भी गलत प्रूव कर दे, सबको गलत प्रूव कर दे, आई होप सो। भाई साहब ऐसा डर लग रहा है ये मूवी ऐसी गिरने वाली है ना, जैसे मतलब बाल गिर जाते हैं अचानक से। लेकिन अभी क्या है, मामा अर्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आ गया है, ध्यान से सुनो। अभी जनरली बाल देखो बहुत लोगों के गिरते हैं, तो लोग दो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बाल गिरने से कैसे बचाए, सेकंड बाल वापस उगाए कैसे। अभी सोशल मीडिया पर रोजमेरी के नुस्खे बहुत चल रहे हैं बालों के लिए, लेकिन बहुत सारे नकली भी होते हैं। लेकिन मामा अर्थ का जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, जो नेचुरल एंड मेड सेफ सर्टिफाइड एंड हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब ये जो एसेंशियल ऑयल है ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो डायरेक्ट नहीं लगाना होता है बालों में। आपके घर पे कोई भी कैरियर ऑयल हो ना, उसके बाद आपको 3-4 ड्रॉप्स मिक्स कर देने, फिर जहां से भी आपके बाल थिन हो रहे या बाल गिर रहे वहां पे आपको ये अप्लाई करना है एंड मस्त सा मसाज करना है। ये ऑयल नॉन स्टिकी एंड इजी टू अप्लाई है एकदम, कुछ दिनों के यूज के बाद बाल मस्त एकदम थिक से हो जाते हैं। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि रोजमेरी ज्यादा एफिकियस एंड सेफर है देन मिनोक्सिडिल, जो मेडिसिन हेयर ग्रोथ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप पूरा रोजमेरी का रेंज यूज कर सकते हो, हेयर ऑयल है, कंडीशनर, शैम्पू एंड एसेंशियल ऑयल तो है। एंड आपको तो पता है परचेज फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज 2025। एंड जैसा आपको पता है मामाअर्थ फ्लिपकार्ट अमेजोन नाइका पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है, तो कहीं भी आसपास स्टोर दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड मेरा कोड तो है thagesh2023, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा इनके सारे प्रोडक्ट्स पे mamaearth.in एंड उसके ऐप पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, चेकआउट करना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे बालों में। हरी अप, बढ़ते नीचे साउथ की ओर हमारे अगले सेगमेंट में, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है बेंगलुरु से, बेंगलुरु की एक औरत ने बहुत मजेदार इन्वेंशन किया है। नहीं, कोरोना के फ्यूचर वेरिएंट्स का कोई एंटीडोट वगैरह कुछ निकाला नहीं है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है सारे बेवड़ों के लिए, ब्रेड से कैसे बियर बनाने का।
सत्य घटना, ब्रेड से बियर कैसे बनाने का? साले ये फूड ब्लॉगर से ब्रेड को दूर रखो, एक्सपेरिमेंट के नाम पे पूरे मोहल्ले को बेवड़ा बना देंगे। अब समझा साले बच्चे आईटी जॉब का बहाना देके बेंगलुरु क्यों शिफ्ट हो रहे। ओ भाई साहब, ओ ये इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। भाई क्या कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव, 50 रन पे खत्म श्रीलंका। साला मैं खाना लेने नीचे गया, बोला आके देखता हूँ मजे में मैच, तब तक साला 7 विकेट चले गए। सोचो स्टेडियम में जाके जिसने टिकट लेके पैसे लेके स्टेडियम में गए, उनका क्या हाल हुआ रहेगा। साले कुत्ते, पैसा खा रहा मेरा। खासकर श्रीलंका वाले, नहीं मतलब 50 रन पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। साले 2-3 रन पहले आउट होके आरसीबी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते थे। पूरी दुनिया साजिश कर रही है हमारे आरसीबी के खिलाफ, मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। 50 रन है और इंडिया वालों को ना बदला लेने के लिए हर ओवर में एक रन बनाना चाहिए था। पूरा 50 ओवर बॉलिंग डाला, 4-5 बॉल डॉट करके छठवें बॉल पे सिंगल ले लो, पूरा 50 ओवर खेलना चाहिए था, तब मालूम पड़ता। इस चीज पे कुछ मीम्स भी बने इंटरनेट पे, जैसे की है, मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। मतलब मिया मैजिक क्या चला है, सिराज मिया आई लव यू। ऐसा लग रहा है टीम इंडिया को मोदी जी के बर्थडे के लिए लेट हो रहा था, पार्टी में जाना था तो सबको निपटा दिया फटाफट। लेकिन कुछ भी बोलो मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। वो फाइनल वाली बात नहीं हुई, यही अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे जीतते ना तो मजा आता। कोई नहीं, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी प्लीज प्लीज ऐसे ही परफॉर्म करना। वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हमको बहुत डर लगता है, प्लीज। टॉप 4 बॉलर इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलियन है, बट वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। वाह, और क्या इटालियन पीएम मेलोनी और मोदी जी के मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलेडी। ऐसा मत करो भाई, देखो देश से निकाल देंगे मीमर लोग तुमको। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। वो बिचारी मेलोनी ने एक वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम पे, उस पे कमेंट देखो, लव फ्रॉम मोदी जी, भाभी जी ससुराल से वापस आ जाओ, अपने राधे भैया की निर्जला मोदी जी को बर्थडे विश कर रही, आई फॉलोड यू ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। वाह रे वाह, वाह 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 मेरे शेर, वाह मिस मोदी, मोदी मांग रही है। वो बेचारी कुछ देश के लिए बात कर रही है, इटली के लिए कुछ बात कर रही है, नहीं मोदी वांट सरकार बन जाएगी वहां पे मोदी जी की, ऐसा मत इतना है। बेचारी का ट्विटर खोलो देखो क्या है, कुछ तो किए कमेंट, अभी मेरे को समझ नहीं। क्या भाई, his speech I think is that the most loved one of all around the world. Kab aaoge mere akile tumhe, birthday wish aa gaya, Italy wali ka birthday wish aa gaya. Dekho mat karo, agli bar koi aane se pehle sochega, sale hamare India mein to meme bana dete, hum nahi aa rahe India mein, kaun bol raha hai Italy ki flight free ho jayegi, are क्या भाई। और क्या, एक ट्रेन रूट आने वाली है इंडिया से मिडल ईस्ट, मतलब दुबई वही सब, और वहां से सीधा यूरोप ट्रेन में। अरे बाप रे, मतलब सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेन है भाई, हम लोग को ट्रेन के लिए अभी 2 घंटा जल्दी आना पड़ेगा बोर्डिंग करने। और मेरे को एक बात बताओ, पहले इसके लिए पासपोर्ट लगेगा या नहीं? ऑफ कोर्स लगेगा आई थिंक। मतलब भाई सोच रहे हो ट्रेन में खाना बेचने वालों का बिजनेस क्या बूम होएगा, इंडिया में ट्रेन चल रही है तब तक समोसा बिक रहा है, जैसे इंडिया के बाहर गया सारा समोसा अपने आप कटलेट हो गया है। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेन में जो मांगने आएंगे उनको रुपीज में पे करना पड़ेगा या पाउंड में? क्योंकि मैं तो किसी में भी नहीं करने वाला हूँ पे, मैं तो आंख बंद कर लेता हूँ। हरामदेया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता, बट अभी है इसको बहुत टाइम है, अभी मेरे को लगता है ये ट्रेन जब तक सफर के लिए रेडी होगा हम हमारे आखिरी सफर में रहेंगे। बट एक बात मेरे को समझ नहीं रहा है, ट्रेन चलेगी कितना टाइम तक? यहाँ से गुजरात ट्रेन में जाते तो भाई ऐसा लगता है कि भाई जल्दी बंद करो, निकालो मेरे को यहाँ से प्लीज। ये यूरोप जा रही है भाई, 5-6 महीना तो ट्रेन ही चल रही है। वो सब छोड़ो, इसमें तत्काल टिकट रहेगा कि नहीं वो बताओ, मैं तो तत्काल ही निकालेगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों पैसा। अब ट्रेन से ही हमारे अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार में ऐसा हुआ, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, वो ट्रेन से गिर गया एंड उसका हाथ कट गया। उसका हाथ कट गया तो नॉर्मल बंदा लाइक आई डोंट नो क्या हो जाएगा, लेकिन ये बंदा चैट था भाई, क्या हाथ उठाया और चल दिया हॉस्पिटल को।
ये चल दिया हॉस्पिटल को हाथ उठा के, लाइक कुछ नहीं हुआ। का वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, आप खुद सर्च करके देख लेना। मतलब बंदे ने सिचुएशन को क्या हैंडल किया है सिंगल हैंडेडली। सहन शक्ति क्या होगी इस बंदे की, मतलब इस बंदे को कितना दर्द हुआ इसका अंदाजा यही सुन के लगा सकते हैं कि भाई ये न्यूज पढ़ के ही हमें दर्द हो रहा है। एंड वो बंदा हाथ लेके चल दिया, भाई सैल्यूट है तेरे को। मैं ये न्यूज कवर नहीं करता, आपको पता है मैं मरने कटने की न्यूज ज्यादा कवर नहीं करता बिकॉज हमारा फनी शो है, बट इस बंदे के लिए सैल्यूट है भाई। और मेक्सिको के पार्लियामेंट में एलियन लाया गया, यस रियल एलियन दिखाया मेक्सिको के पार्लियामेंट ने। आप वीडियो देखो। जादू आ गया, सबसे ज्यादा खुश साला बियर बाइसेप्स होगा। मैंने बोला था भाई देखो अभी ही कोविड गया है, उसको खोलो भी लो मत, जो भी है वो एलियन का, तो ठीक करने के चक्कर में हम ठिकाने लग जाएंगे, मत करो। हाँ तो भाई एक तो एलियन है तुम्हारे पास तो उसको छुपा के रखो ना, जिधर था उधर रखो। उसके दोस्त आए ना लेने, लेके जाएंगे अपने को भी। उनका कहना कि 1000 साल पुराना एलियन जो भी है ये, तो 1000 साल से क्यों नहीं आया ये, मतलब क्या इसके औलाद का वेट कर रहे थे, औलाद आएगी इसका अंतिम संस्कार करेगी, बता देते अभी तक। मैं बोल रहा हूँ ना 2 साल में भाई उतरेगा स्पेसशिप, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उतरेगा स्पेसशिप, बहुत डेंजर हो गया दुनिया। बट एक बात मेरे को पता नहीं, तुम्हारे एलियन ने कुछ बनाया या नहीं, हमारे एलियन ने तो ऋतिक का करियर बनाया था। तो अच्छा है कि वो वहां के पार्लियामेंट में दिखा, इधर के पार्लियामेंट में दिखा दे तो 2 दिन तो समझने में लग जाते हैं एलियन क्या होता है और इसको हम वोट क्यों दे, एलियन को क्यों वोट दे हम। और क्या ताकेश इस कासल वापस आ रहा है, कौन डबिंग कर रहा है इसकी, हमारे अपने भुवन भाई। बट इसकी वजह से भुवन भाई को बहुत हेट भी मिल रहा है इंटरनेट पे कि भाई जावेद जाफरी को कैसे रिप्लेस कर सकते। वेल देखो अमिताभ बच्चन को भी कैसे रिप्लेस कर सकते, लेकिन शाहरुख खान ने किया डॉन में। बोलते थे कि हीट लेजर के जोकर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, वाकवेन फिनिक्स ने लेटेस्ट बैटमैन मूवी में किया। बैटमैन को कैसे रिप्लेस कर सकते, कितने सारे बैटमैन हैं और सबने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया, तो हमारे भुवन भाई नहीं कर सकते ये, नहीं ये चीज भुवन भाई कर ही नहीं सकते, ये भाई सिर्फ टीटू मामा कर सकते, ये साला टीटू ही कर सकता है। आई डोंट नो भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो आई होप ये जापान वाले ही बंदे हो उसमें, वरना इंडियन बंदों का मजा नहीं, जापान वाले साले अलग ही होते। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, मस्त हेयर ग्रोथ बूस्ट कर देगा, जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड नाइट एंड सी सेफ।